guys, you are welcome to my channel SL Teaching. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आप सभी को मैं SL Teaching के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ्स का, ये CBSE NCERT का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। और दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दी है। और आप अगर चाहें इसे देखने के लिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। और अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देखना, तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज का ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ये ईजी है या डिफ़िकल्ट है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में जाकर लाइक कर दीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये दे गया है कि हमें कि फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटेजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एलसीएम और एसीएफ निकालना है, और हमें जो फॉलोइंग पेयर्स दिया गया है उसका हमें एलसीएम और एसीएफ निकालना है, और हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ना कि उसका जो एलसीएम होगा और एसीएफ होगा उसे मल्टीप्लिकेशन करने पर ये जो पेयर्स ऑफ नंबर दिया गया होगा उसके प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इसके कुल मिलाकर तीन पार्ट्स हैं, सो तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर आई में। क्वेश्चन नंबर आई हमें क्या दिया गया है कि 26 एंड 91। दोस्तों, मैंने ये पहला बॉक्स देख सकते हैं, मैंने दिया गया है कि देख सकते हैं, ये पिक्चर को देख सकते हैं क्या दिया गया है इस पिक्चर में। जैसे कि मैंने पहला नंबर किया था उसी टाइप के प्राइम फैक्टर ट्री को हमें करना होगा। प्राइम फैक्टर ट्री जो होता है, प्राइम फैक्टर निकालना होता है हमें ट्री वाइज के फॉर्म में, मतलब वाइज के बॉक्स में हमें प्राइम फैक्टर को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर पहले नंबर को नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आई नंबर में वैसे ही ट्री करेंगे। ठीक है, 26 कितने कितने मल्टीप्लिकेशन पर 26 आता है, हमें 2 और 13 मल्टीप्लिकेशन पर 26 आता है, और यहाँ पर 2 और 13 दोनों ही प्राइम फैक्टर है, यानी कि हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर मिल गया है 2 और 13। सो अब हम क्या लिखेंगे, सो 26 इज इक्वल टू 2 × 13। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या दिया गया है हमें, 91। ठीक है, दूसरा पेयर मतलब पेयर में दो नंबर्स होते हैं, सो पहला नंबर दिया था हमारा 26, अब दूसरा नंबर है हमारा 91। सो 91 को भी वैसे ही ट्री में देखेंगे। कैसे देखेंगे, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सो 91 पहले बॉक्स में लिखा गया है। अब 91 कितने कितने मल्टीप्लिकेशन पर 91 होता है, 7 × 13 पर 91 होता है। ठीक है, 7 × 13 इज इक्वल टू 91, सो 91 इज इक्वल टू 7 × 13। ठीक है, तो गाइस अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे टू फाइंड द एलसीएम वी लिस्ट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 एंड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एज फॉलोज। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम पाने के लिए हमें सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख देना है। 26 और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले उसको हमें लिख देना है। ठीक है, और हमें उसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट भी लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं क्या लिखा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 एक साइड में लिखेंगे, फिर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एक साइड में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 2, 13, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला उसी को लिखेंगे।
ठीक है, क्या लिखेंगे, 2, 13, 7 प्लस एक्सपोनेंट उनका कितने बार यूज हुआ है। सो 1 टाइम्स वो यूज हुआ है, 2 का 1 टाइम्स यूज हुआ है, और 13 का भी 1 टाइम्स यूज हुआ है, और 7 का भी 1 टाइम यूज हुआ है। ठीक है, सो एलसीएम क्या होगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम होता है। ठीक है, सो यहाँ सभी का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, सो 2 × 13 2 to the power 1 × 13 to the power 1 × 17 सॉरी 7 to the power 1, तो अगर इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 × 13 × 7, सो 2 13 = 6, सो 26 × 7 = 182, मैं एलसीएम मिल गया 182। ठीक है गाइस, इजी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू फाइंड द एचसीएफ वी लिस्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 9 लिस्ट एक्सपोनेंट। यानी कि हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इसके कॉमन फैक्टर और इसके जो लिस्ट एक्सपोनेंट होंगे उससे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक साइड पर कॉमन प्राइम फैक्टर और दूसरे साइड पर लिस्ट एक्सपोनेंट, और कॉमन प्राइम फैक्टर इन दोनों में से क्या है, 13 है, क्योंकि देखिए 26 में भी 13 आ रहा है, 91 में भी 13 आ रहा है, सो 13 यहाँ पर हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर, और इसका जो लिस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1, क्योंकि देखिए दोनों में ही 1 मतलब 2 times 13 लिखा हुआ है या 3 times 13 लिखा हुआ है, ओनली 1 times 13 लिखा हुआ है दोनों में से। ठीक है, सो इसका लिस्ट एक्सपोनेंट 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि therefore HCF is equal to 13 to the power 1 is equal to 13, यानी कि हमें HCF 13 मिल गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन मैं आपको इस अगले पेज में दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आएंगे वेरिफिकेशन के पार्ट में। ठीक है दोस्तों, सो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या दिया गया था, हमें वेरीफाई करने के लिए ये दिया गया था कि जो एल सी एम इंटू एच सी एफ होगा इज इक्वल टू जो दो नंबर दिए गए हैं 26 एंड 91, उसके प्रोडक्ट के साथ एल सी एम इंटू एच सी एफ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एल सी एम एंड एच सी एफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स गिवेन। ठीक है, सो अब हम एल सी एम इंटू एच सी एफ करेंगे। ठीक है, एल सी एम हमें कितना मिला था, 182, सो 182 एचसीएफ हमें कितना मिला था, 19, सो 182 इंटू 13 सॉरी एचसीएफ हमें 13 मिला था। ठीक है, सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 2366 मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंड, मतलब एंड और। ठीक है, नंबर क्या दिया गया हमें, 26 एंड 91, 26 एंड 91 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 2366 मिलेगा। ठीक है, तो गाइस सो दोनों में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमने वेरीफाई कर ली है कि हमें वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमने इसे वेरीफाई कर लिए। ठीक है, सो फिर आखिरी में देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैंस वेरीफाइड। ओके, सो ये था ही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो 3 नंबर्स हैं इसे आप आसानी से कर सकते हैं इसी फॉर्मूला के यूज से। ठीक है, मैंने जिस तरह लिखा, जिस अनुसार किया इस नंबर को, आई पार्ट को, तो आप 2i और 3i दोनों को कर सकते हैं, वैसे ही बिल्कुल वैसे लिखना है और कुछ बदलाव नहीं करना है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कराऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। ठीक है दोस्तों, यही था आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SL टीचिंग को, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पर सेट कर देनी है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उस वीडियो को पा जाएं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और हाँ गाइस, आप अगर चाहते हैं हमारे मेम्बरशिप प्रोग्राम को जुड़ने के लिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, पर्क्स देखिए, और एक कोई सी भी स्कीम आप चूज़ कीजिए और पा जाइए वो
स्कीम, ठीक है, क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं हमारे मेंबर्स के पर्क्स में, तो आप उसे भी जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, मैंने उसके ऊपर बिल्कुल फुल वीडियो बना के रखा है, उसमें सब कुछ मैंने समझाया है कि हमारे मेंबरशिप में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए जाकर वीडियो, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का था ये वीडियो, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे एसएल टीचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।